जय हिंद दोस्तों, आज हम अपने चैनल कैंपस सारथी पे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करने वाले हैं। और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के अंदर दो तरीके की मैकेनिज्म होती हैं, एक एवलांचे ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन। तो दोनों मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। और जो ब्रेकडाउन है रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए आपको रिवर्स डायरेक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर एक तरफ एवलांचे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा होगा और एक तरफ जीनर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकडाउन मैकेनिज्म से। तो पहला पॉइंट कि ये रिवर्स डायरेक्शन में ही होता है। तो ब्रेकडाउन ऑकर्स इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, वो कंडीशन जब पीएन जंक्शन का नेगेटिव साइड आप बैटरी के पॉजिटिव साइड से और पीएन जंक्शन का पॉजिटिव साइड बैटरी के नेगेटिव साइड से आप कनेक्ट कर देंगे, जिसको रिवर्स बायस्ड कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन पे ही ये फिनोमिना, ये मैकेनिज्म ऑकर होती है। नॉर्मली अगर आप ऐसा करते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट कर देते हैं, तो एक बहुत छोटा सा करंट आई नॉट फ्लो होता है। देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन का वोल्टेज है वीआर और ये रिवर्स डायरेक्शन का करंट है आईआर और इसकी यूनिट है माइक्रो एम्पियर। बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, तो काफी हद तक जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप जब करंट की वैल्यू देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, ऑलमोस्ट आई नॉट के बराबर करंट की वैल्यू चलती चली जा रही है। वोल्टेज के बढ़ाने पे भी करंट बदल नहीं रहा है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है ओनली वेरी स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज इन दिस कंडीशन ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। तो पहली बात ध्यान रखने की ये भी है कि रिवर्स डायरेक्शन में जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ध्यान दिला दूं कि पीएन जंक्शन में पी और एन दोनों है। माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो पी साइड पे माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और एन साइड पे माइनॉरिटी कैरियर होल है। ये दोनों ही माइनॉरिटीज हैं और इन्हीं की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इन्हीं की वजह से जो है आई नॉट, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो फ्लो करता है। काफी हद तक वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ब्रेकडाउन हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा इफ रिवर्स बायस इज इंक्रीज, जैसे जैसे और बढ़ाते जाएंगे, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन जंक्शन ब्रेकडाउन एंड द रिवर्स करंट इंक्रीजेस रैपिडली। बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आएगा इस कर्व पे भी, देखिए अब ये दिखाई देने लगा है, उस पॉइंट के बाद यहां तक तो करंट कितना था, आई नॉट था, लेकिन जैसे ही वो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। वोल्टेज का वेरिएशन यहां से केवल यहीं तक हो पाया, लेकिन आप करंट का वेरिएशन देखिए बहुत तेजी से बढ़ने लगा, रैपिडली इंक्रीज होने लगा करंट का वेरिएशन। तो जो ये पॉइंट होता है द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन अकर्स इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस पॉइंट पे ऐसी कंडीशन आती है कि एकदम से करंट रैपिडली इंक्रीज करने लगा, उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव जो वोल्टेज होगा दैट विल बी नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिप्रेजेंटेड बाई वी सबस्क्रिप्ट बी। इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द डोपिंग लेवल। तो जो भी ये ब्रेकडाउन की वोल्टेज है ये मोस्टली डिपेंडेंट होती है आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ पे, डिप्लीशन रीजन की विड्थ पे, और जो कि बेसिकली डिपेंडेंट होती है डोपिंग लेवल पे। अब आपने डोपिंग लेवल हाई किया है, लो किया है कि नॉर्मल रखा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि डोपिंग रीजन कितना है। अगर आपने बहुत हाईली डोप्ड मटेरियल लगाए होंगे दोनों तरफ, पी साइड पे भी हाईली डोपिंग कर दी होगी, एन साइड पे भी हाईली डोपिंग कर दी होगी, और ये समझ लीजिए डोपिंग का मतलब है इम्प्योरिटीज की मिलावट। तो अगर आपने पी साइड पे ज्यादा इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं और एन साइड पे ज्यादा इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं, तो बोला जाएगा दे आर हाईली डोप्ड मटेरियल, और उस केस में डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा बनेगा। जबकि जो लो डोपिंग होती है या बहुत कम डोपिंग होती है, स्मॉल डोपिंग होती है, उसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ज्यादा होगी। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, और ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होगा ये डिपेंडेंट होगा डिप्लीशन रीजन पे, जो कि डिप्लीशन रीजन डिपेंडेंट है डोपिंग लेवल कितना कितना है। एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं। दो तरीके के ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म थी, या तो वो एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेक होगा जंक्शन, या होगा जीनर ब्रेकडाउन। तो शुरुआत करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन से, और इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो आपने बहुत सुना होगा एवलांचे, स्नोई एरिया में जहां पे बर्फ होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है। बर्फ का बेसिकली एक तूफान जो है उसे एवलांचे बोलते हैं। कई बॉलीवुड की मूवीज में भी आपने
ऐसे इस तरीके के सीन देखे होंगे कि बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से गिरा, वो गिरा, उसके बाद उसने बड़े हिस्से को गिराया, उसके बाद और ज्यादा बड़ा हिस्सा और ज्यादा बड़ा हिस्सा, जब तक नीचे वो प्लेन तक नहीं आ जाता तब तक ये जो बर्फ का तूफान है ये बढ़ता ही चला जाता है, इसका इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। बाहुबली और शिवाय जैसी कई मूवीज में इस तरीके के सीन दिखाए गए हैं जिसमें एवलांचे आपको देखने को मिलेगा। तो बस इसी मैकेनिज्म के थ्रू कि छोटा हिस्सा ऊपर से गिरा उसके थ्रू और बड़ा हुआ, और जब वो नीचे आके काइनेटिक एनर्जी गेन करके टकराएगा इन चीजों में और बड़ा हिस्सा कवर होगा, और जब वो टकराएगा नीचे आके और बड़ा हिस्सा कवर होगा, बस कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म होगा आपका रिवर्स डायरेक्शन में। आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, तो आंसर होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो बस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर धीरे धीरे अगर नंबर्स में बढ़ते चले जाएंगे काइनेटिक एनर्जी उनकी, तो फिर वो जंक्शन को तोड़ देंगे, जंक्शन को ब्रेक डाउन कर देंगे और वो जंक्शन फ्री हो जाएगा, उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स का ही मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगेगा। फ्री होने का मतलब है वो रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एकदम खत्म हो जाएगी, करंट बहुत तेजी से मूव कर बढ़ना चालू हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई ब्रेकडाउन होगा तो उसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। अब इस टर्म में हम लोग समझते हैं कि अपने चार्ज कैरियर के टर्म में ये ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन क्यों कहलाता है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स के ऊपर ही हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर्स अंडर रिवर्स बायस कंडीशन फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था कि वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, ठीक है रिवर्स डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो वो किन कैरियर्स को सपोर्ट करेगा, माइनॉरिटी कैरियर्स को। इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में जब वोल्टेज लगाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स आपकी जो है वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, वेलोसिटी एक्वायर करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एनर्जी एक्वायर करने लगेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, पी साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे जबकि एन साइड पे होल दिख रहे होंगे, ये दोनों माइनॉरिटी हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पी साइड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, पी साइड पे होल मेजोरिटी कैरियर होता है, ऐसा नहीं है कि वहां इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वो माइनॉरिटी में होता है लेकिन मौजूद होता है। सिमिलरली एन साइड पे होल भी होता है और दोनों ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो ये यहाँ पे केवल माइनॉरिटी कैरियर दिखाएं, क्यों दिखाएं, क्योंकि रिवर्स बायस्ड कंडीशन है, रिवर्स बायस में हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सिंबल है वेरिएबल वोल्टेज का। जैसे जैसे आप रिवर्स में वोल्टेज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स इन चार्जेस के लिए इंक्रीज होगी और ये जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करेंगे। अब होगा क्या, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट होगी कि दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं मटेरियल उसको उससे भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, नॉकआउट करा देगी। तो एट अ सफिशियंट हाई रिवर्स वोल्टेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स बिकम सो हाई दैट दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर की है, सबस्ट्रेट जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल की है, इसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहे हुए हैं। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाए कि उसके टकराने पे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए और एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, नॉकआउट हो जाए अपने कोवेलेंट बॉन्ड से, तो बस धीरे धीरे इसी तरीके का फिनोमिना होने लगता है। और आगे समझेंगे तो ये बेसिक समझ में आ गया, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में आपने वोल्टेज को बढ़ाते जाना है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते जाएंगे चार्ज कैरियर्स और मूव करते जाएंगे। मूव करते समय क्या होगा कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएंगे और अपनी एनर्जी लॉस्ट करके एक कोवेलेंट बॉन्ड को भी फ्री कर देंगे। तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से आगे फिनोमेना बढ़ने लगेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, टकराने से होगा क्या, लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन इन टर्न लिबरेटेड मोर इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी तो इस इन्फ्लुएंस में, इस रिवर्स बाय वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में आके मूव करेंगे और वो भी टकराएंगे, उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो अपना एकदम एक तरीके से अपना पूरा रीजन छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उसी को तो बोलते हैं ब्रेकडाउन। अगर ज्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो गए तो ज्यादा करंट बढ़ने लगेगा इन्फ्लुएंस के चलते, इस वोल्टेज के इन्फ्लुएंस के चलते। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। अब एक डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन था, माइनॉरिटी कैरियर था, पी साइड से गया और जाके टकरा गया। टकराने पे उसने एक और इलेक्ट्रॉन, अब ये एक के बदले दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन जब और आगे टकराए तो और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। इस तरीके से आप अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होने लगेंगे और बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा सिनेरियो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है सीधी बात ज्यादा चार्ज कैरियर, ज्यादा चार्ज कैरियर का मतलब है ज्यादा करंट। तो जो जंक्शन रोके हुए था अपने को वो ब्रेक कर जाएगा। तो आफ्टर ब्रेकडाउन करंट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट। तो ब्रेकडाउन का ये मतलब होता है अब रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस या बहुत लो रेजिस्टेंस ये यहाँ पे फेस करेगा, तो बहुत तेजी से करंट बढ़ता है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना कि आफ्टर ब्रेकडाउन करंट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट, अगर एक्सटर्नल सर्किट में आपने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है हैवी रेजिस्टेंस, तब तो करंट कंट्रोल में रहेगा। अगर ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये मैं अगर इस चीज को हटा दूं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा और इतनी तेजी से बढ़ेगा कि पूरे जंक्शन को खराब कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन के बाद जंक्शन काम नहीं कर सकता, ब्रेकडाउन के बाद जंक्शन काम करता है, लेकिन उसका करंट जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए यूजिंग एक्सटर्नल सर्किट। आपको कोई एक्सटर्नल सर्किट जरूर लगाना पड़ेगा। अगर ये चीज मौजूद नहीं होगी तो करंट इतनी तेज बढ़ेगा कि वो वहां पे जंक्शन को ब्रेक कर देगा, पूरे जो भी पीएन जंक्शन डायोड है आपका वो खराब हो जाएगा। तो समझ लेना कि ब्रेकडाउन कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन पे आपका एक्सटर्नल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, तभी वो जंक्शन दोबारा काम करेगा, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाएगा। दूसरी तरीके का एक और ब्रेकडाउन होता है, उसका नाम होता है जीनर ब्रेकडाउन। आपने एक डायोड का स्पेशल टाइप भी होता है जीनर डायोड, वो भी सुना होगा, वो भी इससे ही रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरा मैकेनिज्म जिससे ब्रेकडाउन हो सकता है उसका नाम है जीनर ब्रेकडाउन। तो अंडर रिवर्स वोल्टेज, अब बोलोगे सर उसमें भी रिवर्स था, अरे ब्रेकडाउन हुई रिवर्स डायरेक्शन में रहा है तो जीनर हो चाहे एवलांचे हो, दोनों रिवर्स कंडीशन में ही काम करेंगे। तो अंडर रिवर्स वोल्टेज द डिप्लीशन रीजन एक्सपेंड एंड द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। भाई रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता था जनरली कि अगर आपने वोल्टेज को धीरे धीरे जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन, जीरो ये है इससे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया, तो ये जो डिप्लीशन रीजन पहले आपको दिख रही है बीच में यहां तक था कंस्ट्रेंट, वो बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे, जैसे जैसे वोल्टेज रिवर्स में बढ़ेगा वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, इसके बढ़ने पे क्या होगा पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ने लगेगा। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ये वाली लाइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली रीजन से समझिए भाई, पहले कहां था रिवर, आपने वोल्टेज रखा धीरे धीरे बढ़ाया तो डिप्लीशन रीजन इतना था, दोबारा में डिप्लीशन रीजन बढ़ के हो गया इतना, तो ब्रेक आपका जो है जो पोटेंशियल बैरियर था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उसके बढ़ने पे क्या होगा, ये जो आयंस हैं पॉजिटिव आयन एक तरफ इकट्ठे होने लगे, नेगेटिव आयन एक तरफ होने लगे, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनाएंगे। देखिए ये ई से रिप्रेजेंटेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लिया है इसने। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक एक्सटर्नल एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, एक्सटर्नल की वजह से डिप्लीशन लेयर बढ़ी, उसकी वजह से एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया। इंटरनल फील्ड भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ बॉन्ड्स को तोड़ेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे बने हुए उनको तोड़ेगा। तो एक बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक होल बन गया, उसकी वजह से भी क्या होगा, दिस प्रोसेस क्रिएट्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स विच सडनली इंक्रीजेस द रिवर्स करंट। भाई उसने और बनाया, जैसे ही और बनाने लगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ने लगा धीरे धीरे, आपने रिवर्स बायस के जैसे ही वोल्टेज बढ़ाने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसकी वजह से कुछ बॉन्ड टूटे, फिर वो टकराए उसकी वजह से और बॉन्ड टूटे, तो इस वजह से भी जो माइनॉरिटी कैरियर्स की कंसेंट्रेशन हुई वो बढ़ने लगी और करंट अचानक से इंक्रीज करने लगेगा। ये जो इफेक्ट होता है दिस इज कॉल्ड जीनर इफेक्ट। लेकिन ये एक ही कंडीशन पे होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब आपको बेसिक पे आना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता था वी बाई डी से, वी होता है वोल्टेज और डी होता है जो उसकी विड्थ है, ये उसकी लंबाई है या चौड़ाई है, उस पर डिपेंडेंट होता था।
अगर बहुत कम छोटे एरिया में वोल्टेज आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत कम एरिया में मतलब डी की वैल्यू कम थी, वोल्टेज आपने ज्यादा लगा लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी, हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा और उसकी वजह से बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स टूटने लगेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होने लगेंगे। तो ये होगा क्या, ये बेड़ ऑफ डिप्लीशन रीजन बहुत कम होनी चाहिए, और वो कब होगा, जब डोपिंग लेवल बहुत हाई होगा। क्या होगा, डोपिंग लेवल बहुत हैवी डोपिंग होगी, हैवी डोपिंग की वजह से दूसरा क्या काम होगा, डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ अगर छोटी होगी तो ये डी की वैल्यू कम, वी की वैल्यू अच्छी खासी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बनेगी छोटे से एरिया में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो केवल हैवी डोपिंग वाले पीएन जंक्शन डायोड्स में ही होता है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो पी और एन नहीं लिखा मैंने, पी प्लस लिखा है और एन प्लस लिखा है। तो पी प्लस और एन प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर यहां पे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पी प्लस एन एन प्लस लेयर रिप्रेजेंट्स हैवी डोपिंग, बहुत हाई डोपिंग मटेरियल है ये शो करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ छोटी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, जो कि वी बाई डी था, वो बहुत हैवी होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे कि जीनर ब्रेकडाउन अकर्स एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ई की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ के आसपास पे जीनर ब्रेकडाउन अकर हो जाता है पीएन जंक्शन के अंदर। अब अगर फॉर्मूले से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी बाई डी होता है, वी इज अप्लाइड वोल्टेज, डी इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, नैरोअर द विड्थ हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इन केस ऑफ हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन। इस रीजन के अंदर जो हैवी डोप्ड रीजन होता है उसमें जो है आपकी विड्थ बहुत कम होगी, वोल्टेज अच्छा खासा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से बहुत अचानक से माइनॉरिटी कैरियर्स आपके टूटने लगेंगे और ये जो ब्रेकडाउन है वो होने लगेगा। अब जो जिस इस वजह से इस मैकेनिज्म के थ्रू जो ब्रेकडाउन होता है उसको वीबी ना बोल के वी जेड बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनर ब्रेकडाउन, और ये एवलांचे ब्रेकडाउन से बहुत कम वैल्यू पे हो जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, डोपिंग लेवल बहुत हाई होना चाहिए। नॉर्मल डोपिंग में आपको जीनर ब्रेकडाउन देखने नहीं मिलेगा, एवलांचे ब्रेकडाउन ही देखने मिलता है। तो जीनर और एवलांचे दोनों को अगर कंपेरिजन करें तो जीनर और एवलांचे मे अकर इंडिपेंडेंटली और बोथ ऑफ दिस मे अकर साइमल्टेनियसली। अब साइंटिस्ट ने मिलके एक वोल्टेज लेवल बना लिया कि इससे कम पे अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है पीएन जंक्शन का तो मान लेंगे उसे कि जीनर के थ्रू हो रहा है, जीनर मैकेनिज्म उस पे काम कर रही है, और एक वोल्टेज लेवल से ज्यादा पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम मान लेते हैं कि वो एवलांचे ब्रेकडाउन है। कंबाइंडली इनको ब्रेकडाउन ही बोलते हैं या जीनर ब्रेकडाउन ही बोलते हैं, लेकिन एक वोल्टेज लेवल डिसाइड कर लिया। वो वोल्टेज लेवल होता है किसी किसी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में आपको 5 वोल्ट्स दिखेगा, किसी 6 वोल्ट्स दिखेगा। तो मैंने दोनों को ही मेंशन कर दिया है कि 5 और 6 वोल्ट से नीचे नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाएगा, अगर एक ऐसी कंडीशन आई कि 5-6 वोल्ट से नीचे ही किसी डायोड का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, देन वी विल नो कि ये जीनर ब्रेकडाउन, जीनर इफेक्ट के कारण ब्रेकडाउन हुआ है। और कोई अगर 5 या 6 वोल्ट से ज्यादा पे कॉज हो रहा है तो उसको मानते हैं एवलांचे इफेक्ट के थ्रू ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, एक समरी देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस पॉइंट होते हैं इसमें। तो ये शो करने का बिल्कुल सही तरीका है कि एवलांचे आप थोड़ा दूर पे, दूर वोल्टेज पे शो करिए, और जीनर आप थोड़े कम लेवल पे शो करिए। तो क्योंकि डेफिनेशन साइंटिस्ट ने इसी तरीके से डिफाइन किया है कि ब्रेकडाउन अकर्स अबव 5 और 6 वोल्ट जो है वो एवलांचे ब्रेकडाउन है, जबकि ब्रेकडाउन अकर्स बिलो 5 और 6 वोल्ट जो है वो जीनर होगा। अब एवलांचे ब्रेकडाउन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अकर्स इन लाइटली डोप्ड जंक्शंस विच प्रोड्यूसेस वाइड डिप्लीशन लेयर। लाइट जंक्शन अगर डोपिंग लाइट होगी तो डिप्लीशन लेयर बहुत बड़ी होगी, विड्थ उसकी बहुत ज्यादा होगी, डी की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, तो जीनर होने का पॉसिबिलिटी उसमें है भी नहीं। जीनर कब होगा, इट ऑकर्स इन हेवीली डोप्ड जंक्शन विच प्रोड्यूसेस नैरोअर डिप्लीशन लेयर, बहुत छोटी डिप्लीशन लेयर होगी। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हिसाब से, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एवलांचे ब्रेकडाउन है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हाइल जीनर ब्रेकडाउन है
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इसका मतलब समझ लीजिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो एवलांचे ब्रेकडाउन का वोल्टेज है बीबी, वो उसकी भी वैल्यू बढ़ने लगेगी। मान लो 27 डिग्री पे अगर वो 50 वोल्ट के आसपास ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं 100 वोल्ट कर दूंगा तो ये 50 वोल्ट से बढ़ जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है। ये हो सकता है 60 वोल्ट के आसपास ब्रेकडाउन करने लगे। जबकि जीनर ब्रेकडाउन वाली कंडीशन क्या होती है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो जो वीजेड की वैल्यू है, जीनर ब्रेकडाउन की वैल्यू है, वो डिक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो, 27 डिग्री पे ये लेट अस सपोज 4.8 वोल्ट्स के आसपास ब्रेक हो रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखोगे तो हो सकता है ये 3 वोल्ट्स के आसपास ही ब्रेक हो जाए। तो ये आपको याद रखना है कि एवलांचे के थ्रू अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, जबकि जीनर के थ्रू जो होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आप हमसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और भी लोगों को इस मैकेनिज्म के बारे में पता चले, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक कैंपस सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मेंशन हैंडल के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।